डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर एक नया वेब सीरीज रिलीज हुआ है जिसका नाम है ताजा खबर, स्टारिंग भुवन बाम और हमारी स्वीटी भाभी, हाँ वही मिर्जापुर वाली जिसको मुन्ना भैया ने ठाए ठाए ठाए। और आपको पता है भुवन बाम कौन है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यूट्यूब में इनका चैनल है वीवी के वाइंस नाम से, चेकआउट कर लेना। ताजा खबर के पहले सीजन में 6 एपिसोड है, पर एपिसोड 30 मिनट के आसपास। आपका कीमती समय इस पे देना है या नहीं, सीरीज मजे देती है या बोर करती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो में, तो बने रहिए। तो क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं RDXO व्यू। तबीयत खराब है मेरा, अच्छा नाक से बोल रहा हूँ जैसा लग रहा होगा, समझ गया, तो संभाल लेना थोड़ा इस वाले वीडियो में, ठीक है। ताजा खबर वेब सीरीज को एक शब्द में वर्णन करूँ तो मजा आया। हाँ, तो एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ सीरीज के पहले एपिसोड को लेके। ऐसा खाना खाते समय पहला एपिसोड देख लेता हूँ, मत सोचना वरना दूसरा कुछ सोचने लायक नहीं रहोगे, जब भी खाना खाओगे वही दिमाग में आता रहेगा। तो पहला एपिसोड को अवॉइड करना जब खाना खा रहे हो, और कृपया फैमिली के साथ मत देखना, या फैमिली के आगे भी मत देखना, या सामने बैठे हो तब भी मत देखना, हेडफोन्स लगा के कोने में जाके आराम से देखना। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। बिना स्पॉइलर वाली स्टोरी की बात करें तो स्टोरी फॉलो करता है वसंत गाबड़े को, जो पब्लिक टॉयलेट में केशियर का काम करता है, मुतरी मैनेजर। वैसे अमीजान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, पर इस वाले धंधे को जिस तरीके से दिखाया गया है काफी रियलिस्टिक। जो सारी चीजें असलियत में होती है पब्लिक टॉयलेट को लेके, सीरीज में वैसा ही सब दिखाया जाता है, और देखते वक्त ऐसा फील हो रहा था कि रियल पब्लिक टॉयलेट में शूट किया गया है। बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक है भाई, सच में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। खाते समय पहला एपिसोड मत देखना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाँ, तो स्टोरी में कहा थे हम, संडास का मैनेजर है। फिर उसके बाद वसंत के साथ एक चमत्कार हो जाता है जिससे उसको सारी खबरें समय से पहले पता चलने लगती है अपने फोन पे। कॉन्सेप्ट तो काफी बढ़िया लगा, पहले एपिसोड से इमोशनली कनेक्ट भी हो गया मैं सीरीज से, उसकी गरीबी संडास और लव लाइफ वगैरह वगैरह से। फिर सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी की सारी चीजें पहले ही मालूम चलने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे वस्या को सारी खबर पहले ही अपने फोन में मिल जाता है। थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है सीरीज जैसे आगे बढ़ता है, पर फिर भी चीजों को जिस तरीके से दिखाया गया काफी बढ़िया, सब कुछ जल्दी जल्दी निकल जाता है तो सीरीज में इंटरेस्ट बना रहता है, बोर फील नहीं होता सीरीज। लेकिन वो सब चीजें इतना फील नहीं होता जितना होना चाहिए था, जैसे वसंत गावड़े मुतरी मैनेजर रातों रात करोड़पति बन गया, उसके बाद उसका बिहेवियर कैरेक्टर डेवलपमेंट लव लाइफ सब देखने में अच्छा तो लगता है, पर थोड़ा और ज्यादा फील होना चाहिए था, ऐसा फील होता है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। और ये सारी फीलिंग्स को साइड में रखे तो भुवन बाम की एक्टिंग ही काफी था एंटरटेन करने के लिए। भुवन बाम एक्टिंग के मामले में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, ढिंडोरा ले लो या उनके बाकी सारे वीडियोस में, इतने सालों से सेम कैरेक्टर्स में आके मजे दे जाते थे। ताजा खबर के अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टर का रोल प्ले किए हैं जिसको देखने में काफी मजा आया, और जिस तरीके से परफॉर्म किया है एक्शन सीन हो या इमोशन सीन, सब कुछ फील होता है। दूसरा कुछ देख के फील होना हो, उनका कैरेक्टर को देख के इमोशन फील होता है, और सीरीज में ऐसा कई सीन्स है जो भुवन बाम को देख के ही गूज़बम्प आ गया। सीरीज के बाकी सारे कास्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है, और भुवन बाम के बाद जो खुल के दिखे हैं सीरीज में वो थे प्रथमेश परम जो कॉमेडी के डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, और उन्होंने भी काफी बढ़िया काम किया। ओवरऑल सीरीज की बात करें तो ऐसा नहीं है सीरीज परफेक्ट है, एंटरटेनर है, मजे देगी, फुल मजे देगी। 6 एपिसोड की सीरीज है, 30 मिनट के आसपास पर एपिसोड, तो सब कुछ फास्ट फास्ट निकल जाएगा, बोर फील नहीं होगा, और एंटरटेनमेंट भी पूरी तरीके से मिलता है। पेस भी बढ़िया है सीरीज का, अपना पेस मेंटेन करके रखती है सीरीज थ्रू द एंड, बढ़िया है यार सीरीज, देखो एक बार अच्छा लगेगा आपको, और मुझे भी अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब कर दोगे तो। 200 करना है महीना खत्म होने, तो उम्मीद है आप कर दोगे 200, और भुवन बाम को देखना अच्छा लगता है तो बिल्कुल देखो, सो आपके लिए बना है। सीरीज को और थोड़ा डेप्थ दे सकते थे एक आध एपिसोड ज्यादा करके, जो नहीं किए मेकर्स ने, पर आप एक चीज कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सीरीज देख लिया तो कैसा लगा कमेंट में बताना, नहीं देखे तो जाके देखो, देख के आना और कैसा लगा कमेंट में बताना, इतना समय नहीं है तो सब्सक्राइब ही कर दो। चलो तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए RDXO व्यू।